नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं यादव क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्ज़ाम CPT सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 none ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सेकेंड वाला, आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ वाइंडिंग पिच फैक्टर इज डैश। ऑप्शन ए नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, सेकेंड नंबर ऑफ पोल्स अपॉन पोल पिच, ऑप्शन 3 वाइंडिंग पिच अपॉन पोल, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका आंसर है 3rd वाला, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, नंबर ऑफ रेक्टिफायर यूज इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज। ऑप्शन ए ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 2, 3rd 5, ऑप्शन 4 3। इसका आंसर है 1st वाला, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, विच मेथड इज यूज फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं, बाय DC मोटर, बाय पोनी मोटर, बाय सेल्फ स्टार्टिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हर ऑप्शन से ये चालू हो सकती है। ऑप्शन आंसर है इसका 4th, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर कौन सी है, रिपल्शन इंडिकेशन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, और नन ऑफ दिस। इसका आंसर है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्लास एफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ विद स्टैंड टेम्परेचर अप टू। फर्स्ट है 130 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 155 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 180 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ नन ऑफ दिस। इसका आंसर है 155 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड। ऑप्शन है हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है 4th वाला, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्लिप सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन 2 -5%, ऑप्शन 3 0%, ऑप्शन डी 90%। इसका आंसर है 3rd वाला, 0%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC मोटर। ऑप्शन ए 100 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, या फिर 0 हर्ट्स। इसका आंसर है 4th वाला, 0 हर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रोटरी कन्वर्टर इज जनरली अवेलेबल। सिंगल फेज, 3 फेज, 6 फेज, या ऑल ऑफ दिस। तो रोटरी कन्वर्टर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज स्प्लिट मोटर। ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट, अनबैलेंस्ड, डबल फेज, या फिर वाउंड। आंसर इसका 4th वाला, वाउंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन विच सप्लाई। यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन विच सप्लाई, DC, AC, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है 3rd वाला, DC एंड AC, बोथ ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फेस एंगल बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेस स्प्लिट मोटर। ऑप्शन है 90, 120, 180, 240। आंसर इसका 1st वाला, 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गिव द रीजन व्हाई फैन गिव्स आउट सप्लाई। शॉर्ट सर्किट इन वाइंडिंग, ओपन सर्किट इन वाइंडिंग, डिफेक्टिव वेयरिंग, ऑल ऑफ दिस। आंसर इसका 1st वाला, शॉर्ट सर्किट इन वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन सिंगल फेज रिपल्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर एंड रोटर आर। नंबर 1 इक्वल, नंबर 2 मोर देन स्टेटर, लेस देन स्टेटर, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर 1st वाला, इक्वल,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गिव द रीज़न वाई द स्पीड ऑफ द फैन डज नॉट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज बाय अ रेगुलेटर। ऑप्शन है इसका ओपन सर्किट इन कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट इन कैपेसिटर, डिफेक्टिव कैपेसिटर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द टॉर्क ऑफ सिंगल फेस स्प्लिट मोटर इज, ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी वेरी लो, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है हाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द ऑफ बटन ऑफ अ स्टेटर इन विच पोजिशन इज, एन ओ, एन सी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आंसर इसका सेकेंड वाला एन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डैश, स्पीड, हंटिंग, फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सेकेंड वाला हंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच लैम्प टेक्स मोर टाइम फॉर गिविंग फुल लाइट। ऑप्शन है इसका सोडियम वेपर लैम्प, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, फोर्थ वाला नियॉन लैम्प। इसका आंसर है सोडियम वेपर लैम्प। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।